निधि, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की है और आपने द्वितीय पद हासिल किया है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आपको? सो थैंक यू सो मच। मुझे ये परीक्षा पास करके भी बहुत खुशी हुई और जब रैंक देखा तो फिर तो अल्टीमेट खुशी का एहसास हुआ कि जो मैंने इसका कभी सोचा नहीं था कि टॉप रैंक मिल पाएगा, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे साथ मेरे परिवार को और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको इस रैंक ने बहुत असीम खुशी दी है। कौन कौन है परिवार में आपके? सर, मतलब मेरे परिवार में पापा हैं, मम्मी हैं, दादाजी हैं और हम तीन बहनें हैं। तो हम तीनों से ही जितने भी उनकी बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी और आज वो पूरी हो गई हैं। तो जो प्रण पापा ने लिया था कि जब तक मैं इनको पूर्णतः सफल नहीं कर देता तब तक और किसी बारे में नहीं सोचूंगा, तो वो एक प्रण उनका पूरा हो गया है। तो ये कहा जाए कि अब मतलब आपके पिताजी का एक सपना पूरा हो गया है, दो सपने और बचे हुए हैं। आपकी बहनें भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं? सर, मेरी जो बड़ी बहन है वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने ये परीक्षा को पूरा कर पाई हूँ। मेरी छोटी बहन है, उसका अभी लॉ कंप्लीट हुआ है तो वो प्रैक्टिस करेगी, अभी प्रैक्टिस करेंगी लॉ की और वो वकालत के क्षेत्र में आगे जाएंगी। अच्छा, आप मध्य प्रदेश किस क्षेत्र से आते हैं? मेरा जन्म तो होशंगाबाद में हुआ है परंतु समय के साथ हम भोपाल में भी शिफ्ट हो गए हैं, परंतु मूल निवासी होशंगाबाद का है, तो दोनों ही जिलों से मेरा अच्छा संबंध है। तो दोनों जिलों में खुशियों की बिल्कुल बाहर से आ गई होगी, वहाँ से जी सर बिल्कुल, मतलब मैं अपने जिले को भी उतना ही गौरवान्वित करना चाहती थी जितना मैं अभी कर पाई हूँ। अभी तक मैं वहाँ पहुँची नहीं हूँ परंतु मैं बहुत जल्द वहाँ जाके सबके साथ खुशी मनाना चाहती हूँ। निश्चित रूप से आपने केवल आपके जिलों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एक ऐसे परिवार से आकर जहाँ पर कहा जाए यदि भारतीय समाज में कि केवल बेटियाँ बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है, तो काफ़ी एक ऐसा लगता है कि बेटा भी होना चाहिए, लेकिन बेटी होकर आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। तो निधि, कैसे क्या सफ़र शुरू हुआ आपका? पहली बार कब लगा आपको कि मुझे सिविल सेवा में आना चाहिए? सर, बहुत पहले से ही, क्योंकि पिताजी आर्मी में हैं तो जो एक सेवा भाव होता है वो हमेशा से मेरे अंदर था और पापा से मैं चाहती थी कि मैं भी आर्मी की तरफ प्रयास करूं, आर्मी और एयरफोर्स की तरफ, तो मैंने उसके लिए भी प्रयास किया था। परंतु बीच में ऐसा हुआ कि मैं उसके इंटरव्यूज़ तक पहुँची थी, उसमें SSP इंटरव्यू होता है, वहाँ पर जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी साथ में थे, तो उन्होंने कई बार मुझे ये चीज़ बताई कि तुम ज़्यादा संवेदनशील हो। तो वो जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई बार बार, फिर बाहर मैंने वापस आके, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर मैंने इसमें बात किया तो पापा ने यही समझाया कि जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं उसके अनुरूप अपने लिए जॉब देखो, देश सेवा करना है, समर्पण की भावना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्मी में जाके हो सकता है, सिविल सर्विसेज में जो तुम्हारी ये भावनाएँ हैं उसका सही उपयोग भी है और वो सही जगह भी है। तो उसी के साथ मैंने प्रयास कर लिया था कि अब मैं इधर जाऊंगी। हमने देखे हैं विविध मीडिया चैनल्स के माध्यम से आपके माता पिता बहुत बेहद खुश थे जी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपकी माँ की आंखों में जो एक खुशी दिख रही थी हमें, तो उससे समझ में आ रहा था कि शायद आपने वो जो देश सेवा वाली बात आप कर रहे हैं, शायद आप उस सपने को लेकर आगे बढ़ी हैं जी सर। तो निधि, क्या लगता है आपको कि यदि किसी घर में किसी माता पिता की केवल बेटियाँ हैं तो क्या वो सिविल सेवा का सपना देख सकती है? बिल्कुल देख सकती हैं सर, और मुझे ऐसा लगता है कि जब सिर्फ बेटियां होती हैं ना, तो जैसा मैंने अपने घर में महसूस किया, पिता थोड़ा सा निश्चिंत भी हो जाते हैं, क्योंकि जब मैंने जैसा महसूस किया, एग्जांपल्स देखे कि कई बार जब बेटा होता है तो पिता बाकी तीनों से कम उम्मीद रखता है क्योंकि वो सारी उम्मीद उस बेटे से लगा लेता है। जब हम तीनों थे तो पापा ने अपना पूरा ध्यान हम तीनों पर लगाया, उन्होंने अपने लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, मतलब ना वो रखना चाहते थे, और जब वो ऐसा हुआ तो उन्होंने जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है इन वर्षों में वो मैंने देखा है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि बेटियां आपके ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह हैं, एक एसेट नहीं है, ऐसा पापा का मानना कभी नहीं था। मतलब ये छोटा इंसिडेंस है कि कई बार बोलते हैं कि अभी गाड़ी क्यों खरीदनी है, ये तो तुमको देना पड़ेगा, शादी के समय देना पड़ेगा। पापा ने बोला नहीं, मैं खरीदूंगा, इन तीनों को चलाना सिखाऊंगा और दूंगा नहीं। तो आप सभी गाड़ी चलाना भी जानते हैं? जी सर, मैं, अच्छी बात है। वो उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने इतना कर दिया है कि आप इतने आत्मविश्वास रखो और इतने स्वावलंबी बन जाओ कि किसी की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो वो एक भाव उनसे आया है और उन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि किसी भी चीज़ में पीछे मत रहो, किसी की आस नहीं देखनी चाहिए। तो आपने जब सिविल सेवा का निश्चित कर लिया कि आप सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, तो कैसा क्या सफ़र रहा आपका, कैसे उतार चढ़ाव आपके तैयारी के दौरान और सिलेक्शन तक आपके समक्ष आए? सर, मैंने 2016 में पास आउट किया था इंजीनियरिंग,
उसके बाद मैंने 2 वर्ष काम किया था। उस पूरे कार्य के दौरान मैंने अपनी जो एक टू वर्क बियॉन्ड द टाइम वो मैंने निश्चित कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए 2 शिफ्ट भी काम करना मुश्किल नहीं था। तो मैं ये समझ चुकी थी कि मैं डेडिकेटेडली काम तो कर सकती हूँ, अब उस काम को मैं कहाँ करना चाहती हूँ उसके विषय में पापा से हमेशा बात चलती रहती थी। तो फिर 2018 के जुलाई अगस्त में उन्होंने बोला कि अब ट्राई करो। तो उसके बाद मैं दिल्ली आई और मैंने तैयारी शुरू किया, क्लासरूम प्रोग्राम भी लिया, और उस प्रोग्राम के दौरान पहले के 2 वर्षों में मुझे कोई भी सफलता नहीं मिली। मतलब मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाया था 2019 का। उसके बाद मुझे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ा, क्योंकि सही मार्गदर्शन जब नहीं मिलता है और शुरुआत थोड़ी सी ढीली रह जाती है तो आपकी जो तैयारी 2 वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए वो बहुत लंबी खिंच जाती है। तो मैंने उस तरफ ध्यान दिया, अपने बड़ी बहन के संपर्क में भी आके मैं फिर इंदौर आई और मैंने यहाँ से MPPSC की तरफ तैयारी शुरू कर दी, सिलेबस को उठा के। और उस समय सिलेबस भी चेंज हुआ था 2020 का, तो फिर मैंने नए सिलेबस के अनुरूप जितने भी मेरे नोट्स थे उनको दोबारा बनाया, स्ट्रक्चर किया, नई जो मार्किंग स्कीम है उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाए उनके समय समय का ध्यान रखते हुए। फिर क्योंकि 2019 प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो फिर जब प्रीलिम्स आने वाला था उसके 2.5-3 महीने पहले मैंने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर दी, और वो उसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी थी। मतलब कि अगर आप कोई भी किताब मुझे बताएंगे तो मैंने उसको एक ना एक बार तो ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि मैं एक भी एफर्ट छोड़ना नहीं चाहती थी। प्रीलिम्स करने के बाद प्रीलिम्स क्लियर हुआ, परंतु एक और दिक्कत इसमें महसूस हुई मुझे कि यहाँ पर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल पा रही थी। बहुत लंबा समय हो रहा था एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में। उस समय मेरा मनोबल काफ़ी गिरा, क्योंकि मैं जहाँ से छोड़कर आई थी वहाँ पे जो लोग मेरे साथी थे वो काफ़ी ऊपर भी जा रहे थे, और उस समय मेरे मन में यही द्वंद आता रहता था कि क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तो आ तो गई हूँ लेकिन इसका कुछ अंत नहीं दिख रहा है, और अगर हो भी जाएगा तो क्योंकि ये फील्ड इतनी अनसर्टेन है, इसमें एग्ज़ाम और पोस्ट इतनी कम होती हैं, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो वो द्वंद को मैंने संभालने में बहुत मेहनत किया। और अभी तो अब आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हो गई है जी सर, तो लेकिन कुछ विद्यार्थियों के सामने ये समस्या हमेशा बनी रहती है, जैसा कि ये 2018 की परीक्षा के बाद में लगभग 5 साल के अंतराल के बाद एक रिजल्ट आया है जी सर, तो ऐसे समय में विद्यार्थी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे? सर क्योंकि जब समय जाता है और रिजल्ट नहीं दिखता है तो मनोबल गिरता है, लेकिन अगर आपको आपका कॉज पता हो कि आप इस फील्ड में क्यों आए थे और क्यों सस्टेन करना चाहते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और मैं यही बार बार बोलूँगी कि आप अपने सारे डिसीजंस को ना बहुत बहुत सारे मापदंड पे तोल कर लो कि आप कितने समय तक तैयारी कर सकते हो, क्या आप जो करना चाहते हो वो किसी और फील्ड में पॉसिबल है या नहीं, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि कई बार जब घर परिवार से आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना तो वो भी आपके लिए कारण बनता है। तो ऐसे में आप अपने लिए एवेन्यूज भी देखो, आप एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाओ, क्योंकि पढ़ाई करना है हमें, लेकिन उस पढ़ाई में ऐसा भी होना चाहिए कि हम एडेड प्रेशर के साथ ना करें, मेहनत भी करें साथ में। तो इन सब चीज़ों में मनोबल बढ़ाए रखने के लिए अपना क्यों क्लियर रहना चाहिए, क्यों ये तैयारी करनी है और उसके लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है, यदि मुझे फेलियर मिल रहा है तो मेरे कौन से लूप होल्स हैं जो मुझे फिल करने चाहिए। आपको कभी ऐसा लगा इस दौरान कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस कि अब मैं कब से तैयारी कर रही हूँ, मेरे माता पिता पर आर्थिक बोझ भी इसका पड़ रहा है, 2 बहनें और भी हैं उनको पढ़ाना है, तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं अब मुझे जल्द सेलेक्ट हो जाना चाहिए या कोई और रोजगार का साधन अपना लेना चाहिए, किसी और स्ट्रीम में चले जाना चाहिए? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था कि मैं क्यों आना चाहती हूँ, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहा, लेकिन कभी क्या आर्थिक चैलेंजेस आपके सामने रहे? सर आर्थिक चैलेंज इतने तो नहीं आए, परंतु कोविड के बाद ऐसा समय ज़रूर आ गया था कि जब मुझे बिल्कुल ही स्ट्रांगली फील होने लगा था कि अब मैं सिर्फ तैयारी नहीं कर सकती हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी उस समय पर, एक ट्रेजेडी हो गया था 2nd कोविड वेव के टाइम पर, तो उस समय मुझे ऐसा फील हो गया था कि अब हम 3 लोग हैं और अगर पापा बिल्कुल उस तरीके से नहीं रह पाए जैसे वो हेल्दी थे तो तब हमारे ऊपर उंगलियाँ उठने लगेंगी, और उसको रोकने के लिए कि कोई क्वेश्चन ना कर सके हमें से किसी ना एक को तो जॉब करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत ही कठिन समय था। 2-3 महीने का ही समय होगा जब ये बहुत हुआ, तो उस समय भी शुरू किया था मैंने और मेरी बड़ी बहन ने, दोनों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रयास किया, और कुछ महीने करने के बाद जब सिचुएशन ठीक हो गई तो फिर हमने छोड़ के वापस तैयारी में लग गए। लेकिन वो समय ऐसा था जब हमने प्रयास किया था कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं लेकिन 4-5 महीने तो हम हो गए थे।
तो घर से जब आप निकले तो क्या अन्य रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, किसी ने कहा नहीं कि आप कितने समय तक तैयारी करेंगे, कब आपका सिलेक्शन होगा, कब आप पास होंगे? सर ये जब घर से निकलने के समय तक तो लोगों को विश्वास था, क्योंकि 2018 के समय पर, क्योंकि मेरा एकेडमिकली थोड़ा ठीक रहा है तो ये था कि ये कर सकती है। लेकिन जब समय बढ़ता चला गया, बीच में 2 साल कोविड आ गया, एग्ज़ाम बढ़ा, तो हर व्यक्ति ने, मतलब परिवार को छोड़ के आप किसी भी व्यक्ति की बात करें तो सब ने ये कहीं ना कहीं ज़रूर बोला है कि ये लोग गलती कर रहे हैं। वो गलती थी या नहीं उसको सिद्ध करने के लिए हमें 2023 लग गया, लेकिन वो जो भाव है वो हमेशा आता रहा है कि ये लोग मतलब कब तक डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि एज। तो खैर आपने मैसेज क्लियर कर दिया है कि यदि स्वयं पर विश्वास हो तो हमें जवाब बोल कर नहीं अपने काम से देना चाहिए, और निश्चित रूप से आपने सेलेक्ट होकर वो जवाब दे दिया है। निधि, कुछ विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि क्या टॉपर्स में और जो अन्य रैंक लगती है जो फेल होते हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है क्या, उनकी तैयारी में? क्या वो लोग जो टॉप रैंक्स पर सेलेक्ट होते हैं या वो लोग जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस रहते हैं तैयारी के दौरान? सर मैं ऐसे में डिफरेंस स्टेज वाइज इसमें बांटना चाहूँगी। प्रीलिम्स में भी लक का फैक्टर बहुत रहता है, तो प्रीलिम्स में जो व्यक्ति कट ऑफ क्लियर कर चुका है और जो किसी तरीके से रह गया है, उन दोनों में मार्जिन कुछ तो बिल्कुल ही मार्जिन से होते हैं, बट कट ऑफ के जो 5 क्वेश्चन का मार्जिन है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसमें उस 2 घंटे के टेम्परामेंट का फ़र्क है। तो यदि आप उस मार्जिन में आ रहे हैं तो आप सोच के चलें कि आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो उस 2 घंटे का जो पेपर है उसमें मार्क करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेंस क्लियर और मेंस जिसका क्लियर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, उन दोनों के लिए उसको ये मैसेज मिला है कि मुझे अपनी राइटिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की डिमांड शायद वो मीट नहीं कर पाया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति इंटरव्यू की स्टेज तक आया है और जो क्लियर कर चुका है उनमें खास फ़र्क नहीं होता है। वो जब पहली स्टेज क्लियर कर चुके हैं तो वो भी उतना ही लायक है जितना दूसरा लायक था। रिटर्न में आप क्लियर किया है आपने, मतलब आप टॉप के जो कुछ परसेंट बच्चे हैं उसमें आ चुके हो। अब बस उनको ये जानना है कि जो थोड़ी बहुत कमी कहीं थोड़ी बहुत रह गई होगी उसको किस प्रकार पूरा किया जाए और आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज तक आए हैं तो आप लायक तो हैं, आप में नॉलेज है, आप में पेशेंस भी है, लेकिन आप उसको पकड़े रहें, छोड़े ना, मिलेगा ज़रूर। अच्छा, तो ये जैसे आपने बताया कि अलग अलग स्टेज के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कई बार हमने सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेहनत वो तैयारी करने में काफ़ी अच्छा था, मेहनत काफ़ी अच्छा करता था, स्टूडेंट काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं करना चाहिए? सर सबसे पहले मेहनत तो फर्स्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस मेहनत का अगर डायरेक्शन सही डिसाइडेड ना हो तो उसको बहुत समय लग जाता है या कई बार सेलेक्ट नहीं भी हो पाते हैं बच्चे। तो मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ उसको एक दायरे में, एक डायरेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत है। तो कई बार बच्चे बिल्कुल आइसोलेशन में तैयारी करते हैं कि सबसे कट के बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने से ही जूझ रहे हैं। ऐसे में एक मेंटोर का सपोर्ट, एक टीचर का, एक पीयर ग्रुप का, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ ये कि आप सिर्फ अकेले में तैयारी नहीं करें, आप अपने साथ और भी टीचर्स या और भी लोगों से इंटरेक्शन करते चलें। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं कि मेहनती तो हैं परंतु उसके बाद सही समय पर सही काम नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं। कि मान लीजिए प्रीलिम्स आ गया तो अब वो यही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे फैक्ट्स पढ़ने चाहिए कि मुझे लिखना चाहिए, या अभी प्रीलिम्स में 4-5 महीने का समय है लेकिन अभी से वो सिर्फ फैक्ट्स ही पढ़ रहे हैं, तो समय का सही उपयोग नहीं कर पाना। तीसरा हमारा पॉइंट है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जिन चीज़ों को अवॉइड किया और वो मेरे लिए वर्क कर गया, एक तो सोशल मीडिया है। कि ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल ही नहीं थी, मतलब मेरा फ़ोन यूसेज टाइमिंग अच्छा है, मतलब मैं उसमें न्यूज़पेपर भी, एड्स भी देखती हूँ और टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मैंने हर उस चीज़ को हटा दिया था जो मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है या जहाँ पर मैं कंपैरिजन के मूड में जा सकती हूँ। तो वो मैंने बिल्कुल हटा दिया था कि मैं किसी और को देख के इस भाव में नहीं आऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ, डाउट क्रिएशन को मैंने हटा दिया था। दूसरा, मैंने ये ज़रूर किया था कि मैंने अपने सोर्सेज लिमिटेड कर लिए थे। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि एक टॉपिक को 3-4 जगह से पढ़ लेते हैं, अंत में आप, क्योंकि अंत में आपको मैक्सिमम 11 मार्कर लिखना है, मतलब 200 शब्द, लेकिन आप पढ़ लेंगे 4000 शब्द और उसमें से आप रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज की जगह आपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स भी एक बार में नहीं बनता है, पहली बार में वो बड़ा ही बनेगा, उसको 3-4 बार में वो शॉर्ट होता है। तीसरा है कि शॉर्टकट नहीं लेना। मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में शॉर्टकट लिया था, मैंने चीज़ों को बिना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़े सिर्फ एक सतही लेवल पर पढ़ा और सोच लिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था
मुझे लगा था ये आसान है, हो जाएगा, मैंने उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन जब उस पेपर में आप उस 2 घंटे में पहुँचते हैं ना, तो 60 क्वेश्चन करना आसान है, 60 से 70 से 75 जाने में आपको बहुत मेहनत लगती है। तो वो शॉर्टकट नहीं लें, पहली बार पढ़ें तो ढंग से पढ़ें, मतलब उसको नोट समझते हुए पढ़ें, ये 3-4 चीज़ें। और आखिरी चीज़, पेशेंस बनाए रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक टॉपिक एक ही बार में समझ में आ जाएगा, 4-5 पढ़ना पड़ सकता है, टीचर से पूछना पड़ सकता है, तो हर वो काम करें। और एक और है कि मिसकंसेप्शन से बचें। अभी मैंने जितने बच्चों से बात किया, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हमें पेपर 3 से बहुत डर लगता है, हमें एथिक्स में केस स्टडी नहीं आती है। तो ये जो नहीं आती है ना, आप इसको एक बार बोल दिया ठीक है, बाद में उसको ख़त्म करने का प्रयास करें। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि 10th 12th लेवल की है, हम पढ़ सकते हैं। तो मन में कभी भी एक मिथ क्रिएट ना करें कि ये तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, तो कभी कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि अकेले में पढ़ने से हमारा कंसंट्रेशन ठीक रहता है, तो कुछ मानते हैं ग्रुप स्टडी या पीयर्स ग्रुप हमारा अच्छा रहता है, तो तैयारी में आसानी। आपको क्या लगता है, ये MPPSC की तैयारी में पीयर्स ग्रुप ठीक रहते हैं या आइसोलेटेड अगर आप स्टडी करें? सर, जब आपको फर्स्ट टाइम अपना कंसेप्ट समझना है, उस समय तो आपको आइसोलेशन वाली स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई टॉपिक है, कुछ भी डिटेल में जाना है, तो आप पहले खुद पढ़ेंगे उसको। पीयर स्टडी आपकी लर्निंग की स्टेज पे काम आती है, आपको कुछ याद करना है, आप जब किसी को समझा दोगे तो वो आपको याद रहेगा। तो ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप पहली बार जब टॉपिक पढ़ने बैठे तो 5 लोग बैठे हैं, नहीं, पहली बार दूसरी बार आप अकेले पढ़ेंगे। जब आप उसको याद करने जाएंगे, या कल आपका एग्ज़ाम है, कल आप टेस्ट देने जा रहे हैं, मान लो टेस्ट सीरीज़ में जा रहे हैं, तो 4 दोस्त बैठ के 4 यूनिट रिवाइज़ कर लेंगे, तब आप इजीली रिवाइज़ कर ले जाएंगे। 4 बातें वो आपको बताएगा, आप कुछ करेंगे। तो इस तरीके से ग्रुप स्टडी काम आती है। मैंने पेपर 3 के लिए, जैसे 10 यूनिट है पेपर 3 में, तो हम 5 लोगों का ग्रुप था, हमने 2-2 यूनिट डिवाइड कर लिया था, पहले खुद पढ़ा था, बाद में एक एक ने वो यूनिट किया, तो मतलब मुश्किल से 2 घंटे में हम पूरी यूनिट्स रिवाइज कर गए थे। तो ग्रुप स्टडी एक हद तक काम आती है, परंतु सेल्फ स्टडी तो आपको करना पड़ेगा। अभी एक कल्चर ये भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी करते हैं, तो क्या मानना है आपका कि सोशल मीडिया से स्टडी करना या इस प्रकार के पोर्टल से स्टडी करना कितना बेनिफिशियल है? सर, ऑनलाइन स्टडी का अपना एक यूटिलिटी है, उसकी वो सब तक पहुंच चली जाती है और थोड़ी बहुत इकोनॉमिकल भी रहती है, परंतु उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यदि आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप सेम चीज़ को 3-4 वीडियोस में देख लोगे, और उसके बाद आप आप क्रिटिक बन जाओगे, ना कि आप उसको याद कर पाओगे। तो ऐसे समय पर आपके पास एक मटेरियल होना और एक किताब होना, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मैंने किताब से पढ़ी हुई चीज़ें मुझे ज़्यादा याद रहती हैं। मतलब किसी ने मुझे उसका शॉर्ट समझा दिया, तो वो कभी उसकी मतलब वी कैन नॉट रिप्लेस इट बाय दैट। तो एक वो रहेगा। दूसरा, सोशल मीडिया में और भी चीज़ें हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा पर्पस ही क्या था। हम जो एक चकाचौंध वाली दिखाया दिया जाता है कि अफसर बनने के बाद ऐसा रुतबा होगा, हम उसमें ही खो जाते हैं। तो उससे हमें बचने की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली सोशल मीडिया से इसलिए भी दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे रियलिटी में रहना है। और ऑनलाइन स्टडीज़ लिमिटेड स्तर पर हो तो वो ठीक है, जहाँ तक वो आपको बेनिफिशियल कर रही हो, बट वो बहुत लॉन्ग टर्म में तो काम नहीं कर पाएगी। अभी जैसे आपको रिजल्ट आया, प्रदेश भर के युवा आपको देखेंगे और काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होकर तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार के लोगों को तैयारी करना चाहिए, कौन इसकी तैयारी कर सकता है सिविल सर्विसेज की, और किन लोगों को इसकी तैयारी नहीं करना चाहिए? सर, सिविल सर्विसेज बहुत ही नोबल जॉब है, स्पेशली हमारी हमारे देश में, जो कि एक सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्री है। इसमें इतना स्कोप है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन के, एक लिंक बन के लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो हर उस व्यक्ति को जिसमें भावना है कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, या वो अपने काम से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना चाहता है, वो सिविल सर्विसेज में आ सकता है। परंतु ये प्रोसेस इतना रिगरस है और इसमें सक्सेस रेट इतना कम है कि कई बार बहुत सारे बच्चों की पूरा यूथ निकल जाता है तैयारी करते हुए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप, अगर आप में ये भावना है, और आप बिल्कुल ट्राई करिए, 1 से 2 साल प्रयास करिए। सिलेबस बिल्कुल आपके सामने दिया हुआ है, परीक्षा का पैटर्न है सामने, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं। अब कुछ समय ट्राई करिए, लेकिन उसके बाद हर व्यक्ति को खुद ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं। इसके बाद आपको जो अथॉरिटी मिल रही है वो बहुत अच्छी है, बट ये आप खुद देखें कि मैं इसको मैं किस लेवल पर हूँ एकेडमिकली। क्योंकि आप जब 1-2 अटैम्प्ट दे चुके होते हैं ना, तब आपको समझ में आ जाता है कि क्या कमी है मुझ में और क्या और एक्स्ट्रा करना है। अगर आप उसको कर पाएंगे तो ठीक है,
नहीं तो फिर और भी कई तरीके हैं जिनसे आप अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, किन लोगों को नहीं करना चाहिए तैयारी? क्योंकि कई बार हम देखते हैं लगभग 3 से 4 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और पोस्ट जो होती है वो लगभग 250-300 के आसपास होती है। तो ऐसे में कई बार युवा एक दो प्रयास करते हैं फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। तो क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे किन लोगों को इसकी तैयारी स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए? सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम में आपका जो एकेडमिक्स नॉलेज है वो 12th तक के में, क्योंकि परसेंटेज इतना कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी बहुत कम है, तो तैयारी तो हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर उसकी डिमांड है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप राइटिंग में इतने अच्छे नहीं हैं कि आपके जो राइटिंग स्किल्स है वो ठीक, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि उनका मेंस क्लियर ही नहीं हो पाता 2-3 बार तक, परंतु प्रीलिम्स में वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो आपकी अगर जो स्ट्रेंथ है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो आप उस तरफ प्रेसिडेंस ऑर्डर दीजिए। अगर आपको लगता है कि लिखने में और ये आपकी काबिलियत है तो आप इधर आ जाइए, तो वो स्किल सेट बेस्ड है। बाकी तैयारी, क्योंकि सबका अपना अपना राइट है, यदि वो इस तरफ अट्रैक्टेड है इस पोस्ट की तरफ तो 1-2 साल प्रयास कर लेना चाहिए। अच्छा, आपके लिए क्या मोटिवेशनल फैक्टर रहे थे अट्रैक्ट होने के कि मुझे ये पद चाहिए चाहिए? सर, मैं हमेशा से सिस्टम का पार्ट बनना चाहती थी। मेरे साथ कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जब मुझे ऐसा लगा है कि सिर्फ आपके थोड़े से इंटरवेंशन मात्र से किसी का पूरा जीवन चेंज हो सकता है, और वो चीज़ मैं वॉलंटरी मेथड या फिलेंथ्रोपी के माध्यम से नहीं करना चाहती। मैं वो ऐसे करना चाहती हूँ जहाँ मेरी ड्यूटी हो उसको करना, जहाँ मैं टाइम बाउंड हूँ, टारगेट बाउंड हूँ वो करने के लिए। तो वो मुझे बहुत प्रेरित करता था कि ये मेरा ड्यूटी है कि मुझे इतनी स्कीम्स को इतने लोगों तक पहुँचाना है, मुझे इसमें एनरोलमेंट कराना है, ये मेरा KPI है, जो मेरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो यही है। तो जब मैं जॉब कर रही थी तो जैसे उस समय मेरा KPI था कि मुझे इतनी गाड़ियाँ FTQ पे निकालनी है, तो उस KPI से मेरा ये KPI होना चाहिए कि इस क्षेत्र का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो मैंने इतना कम करा दिया, तो मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था। चलिए, एक ये भी कई बार संशय रहता है कि कितने घंटे की पढ़ाई अनिवार्य होना चाहिए इस फील्ड के लिए? सर, शुरुआत में जब आप पहली बार पढ़ने आ रहे हैं तो मैं खुद 4 से 5 घंटे एक बार में नहीं पढ़ पाती थी, परंतु जब आप पहली बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं ना, उस समय आपको कॉन्सेंट्रेशन से बैठना पड़ेगा और लगभग 7 से 8 घंटे तो आपको लगेंगे। धीरे धीरे आप घंटे बेस्ड पढ़ाई को टॉपिक बेस्ड पढ़ाई में कन्वर्ट कर लीजिए एक बार आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले बैठाना पड़ता है, पहले जो मन है वो बहुत भागता है, आप नहीं बैठ पाते, तब आप डिसिप्लिन सिखाने के लिए बैठिए। एक बार जब आप बैठ जाएं और आपके टॉपिक कंप्लीट होने लगे, फिर आप टॉपिक कंप्लीट करिए, तब घंटे बांध के पढ़ाई करने से मतलब नहीं है। फिर इस प्रकार से मैंने टॉपिक बेस्ड पढ़ाई शुरू करी। अब वो टॉपिक मैं 4 घंटे में कर लूँ या 8 घंटे में कर लूँ, वो फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जैसे जब मेंस आने वाले थे उस समय पर मैं दिन के 2 टेस्ट भी लिख रही थी, तो कई बार 3 घंटे का टेस्ट ही है, फिर उसका मैं सॉल्व करूँगी, तो ऐसे करके 10 से 11 घंटे, तब जब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, और जब एग्ज़ाम में थोड़ा समय होता है तो 7-8 घंटे भी बहुत रह जाता था, इतना एफिशिएंसी तब नहीं आ पाती है। अच्छा, कुछ युवा जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको तकरीबन 7 से 8 साल हो जाते हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती है, उनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? सर, 7 से 8 साल का समय बहुत बहुत लंबा समय है, और इसमें आप सिर्फ एक परीक्षा के लिए लगे हुए हैं, तो आप एक तो बहुत अपने यूथफुल ईयर्स भी उसमें लगा रहे हैं, ये आपका मोस्ट एफिशिएंसी वाला टाइम है। दूसरा, इस समय में आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे, आपने उसको भी नज़रअंदाज किया। फिर ये सिर्फ एक नौकरी के लेवल पे नहीं है, आप मेंटली भी बहुत वीक होने लगते हैं, तो मैं तो उनको यही सलाह देना चाहूँगी, सलाह भी नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 4 साल के बाद हमको समझ में आ जाता है कि हम किस लेवल पर हैं। यदि आप बहुत ही मार्जिन से रुक रहे हैं तो आपका ये अधिकार बनता है कि आप उसके लिए प्रयास करें, परंतु जब समय बहुत लंबा हो जाता है ना, तो हमें हमारी और स्किल्स पर भी काम करना है, क्योंकि नौकरी बहुत कम है, बहुत कम पोस्ट आ रही है, और हर बार कुछ ना कुछ फैक्टर तो रहेगा, हम अनलिमिटेड नहीं ले सकते हैं उसमें, अनलिमिटेड समय के लिए और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका समय के साथ एक स्वावलंबी होना ज़रूरी है, आपके घर परिवार को भी आपकी आवश्यकता है, सो दोनों चीज़ें देख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपने कोई बी प्लान अपने लिए बनाया था? हाँ सर, मैं अभी दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी कि UPSC करने के लिए मैं आई थी, परंतु जब उस तरफ मेरा मैंने अटेम्प्ट दिया और नहीं हो पाया, और मैं साथ में MPPSC भी कर रही थी, तो ये जो ए और बी प्लान के चक्कर में कई बार शुरुआत में हम हमारे ए प्लान को ही नज़रअंदाज कर देते हैं, तो मैंने बी प्लान
लगभग 3 वर्ष तक नहीं बनाया था। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अब शायद वो समय आ गया है कि मुझे कुछ और भी सोचना चाहिए। तब मैंने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पापा से बात किया था कि कुछ अगर हमें स्टार्ट करना हो, बिज़नेस शुरू करना हो, या मैं पढ़ाना ही चाहती हूँ, तो इस तरफ मैंने ध्यान दिया। दूसरा मेरा ये था कि जो मैं ऑलरेडी जहाँ काम कर रही थी वहीं पर दोबारा स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत स्किल जो गैप आया है मेरा उसको भर के मैं वापस चली जाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा था। अच्छा, अभी जो नया अगर कोई युवा तैयारी करना चाहता है तो वो क्या मानकर तैयारी करे कि परीक्षाएं लगातार होती रहेगी या फिर इस प्रकार के लंबे लंबे गैप होते रहेंगे, क्या मानना है आपका? सर, अभी मध्य प्रदेश में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो पिछले कुछ समय से वैक्यूम आया था वो वैक्यूम अभी बिल्कुल छटने वाला है। तो अभी वैसा नहीं आएगा कि आपके एक साल में एक ही परीक्षा हो पा रही है और वो भी पूरी नहीं हो रही है। अब चीज़ें बहुत ही स्पीड में चलेंगी, तो यदि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास लेथार्जिक होने का टाइम नहीं है। आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से बना के प्री मेंस इंटरव्यू पहले मेंस की तैयारी करें, प्री से पहले उसकी तैयारी करें और एक बहुत ही सीक्वेंशियल वे में करते चले जाएँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी जो 3-4 साल से रुका हुआ था वो एक बार में सब आने वाला है, तो आपको आपका बेस्ट मोड में रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल एक्टिव हो जाएं, सही तरीके से पढ़ें, टेस्ट लिखें, MCQ करें और जल्दी से जल्दी आप उसको निकाल सकते हैं। अब आप सिलेक्ट हो गए निधि, अब आपको क्या अपने गोल खुद के लिए सेट किए हैं आगे के लिए? सर, अभी तो मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, क्योंकि वो समय इतना लंबा हो गया था कि 5 साल में ये चीज़ भी मुझे एक सपने जैसी लग रही है कि ये फाइनली हो चुका है। बाकी मेरे सेल्फ गोल्स ऐसे हैं सर कि अब मैं जॉब करना चाहती हूँ। अब इसके बाद मैं और कोई तैयारी से बेहतर मैं सीधा जॉब करूँगी और जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिस भी फील्ड में जो पोस्ट मिलेगा मैं उसको बहुत ईमानदारी से करूँगी। मेरा पर्सनल है कि मैं सोशल डेवलपमेंट में काम करूँ, महिला बाल विकास में काम कर पाऊँ, हेल्थ एंड सैनिटेशन पे करूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कर पाऊँ। तो ये जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और एथिक्स में लिखते आ रहे हैं, इन सब बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैं रेप्लिकेट करना चाहती हूँ जो भी मुझे जगह मिलेगी वहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। थैंक यू। पुनः एक बार आप ऐसे ही अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।